अस्सलाम वालेकुम अंकल, सबसे पहले तो आप अपना नाम भी बताइएगा और फ़ोन नंबर भी ज़रूर दीजिएगा। इस ऑयल के बारे में हम अपने जो भी व्यूअर्स हैं उन तक मालूमात पहुंचाना चाहते हैं ताकि मुख्तलिफ जानवर और परिंदों का रुझान जो है वो लोगों में बढ़ता रहता है। तो ये भी एक अलग जानवर है जिसका मतलब इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, लेकिन हो सकता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो सकता है इसकी। तो इसके बारे में बताइएगा कि कहाँ से आया है, किस तरह से आप लेकर आए हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं इसकी भी हम अपनी स्क्रीन पे शो करेंगे कि किस किस तरीके से आप ये लेकर आते हैं, कौन सी नस्ल है, क्या क्या खाता है, कुछ इस तरह के सवाल होंगे। तो थोड़ा सा बताइए इस उल्लू के बारे में हमें। एक्चुअली जितने भी परिंदे हैं और बर्ड लवर जो लोग होते हैं या नेचर से जो मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आर्टिफिशियल दुनिया से बाहर निकल के अल्लाह की बनाई हुई ओरिजिनल जेन्युइन नेचर से प्यार करते हैं। तो ये भी जेन्युइन अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई एक मखलूक है। उस मखलूक में इसका नाम है उल्लू। आम जबान में, आम लुगत में, आम जो गुफ्तगु होती है उसमें कहते हैं ना उल्लू मत बनाओ या उल्लू का पट्ठा या इस किस्म की जो गुफ्तगु होती है कि लोग ये समझते हैं कि उल्लू एक बहुत ही मनहूस और बहुत ही इस तरह का जानवर है, लोग इसको घरों में नहीं रखते, ये एक ऐसा परिंदा है जो जहाँ यार यहाँ तो उल्लू बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल समझ लें कि ये एक बंदों की बनाई हुई अपनी खुद साख्ता बातें हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। शरीयत के अंदर, शरा के अंदर, दीन के अंदर, फिका के अंदर या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में या सहाबा इकराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि उल्लू को घर पे रखना जो है वो नापसंदीदा है। ये एक हमारे यहाँ पाक और हिंद में मुश्तरका तौर पे हिंदू और मुसलमान रहते थे, तो किसी बियाबान घर के अंदर उल्लू बोले तो उन्होंने कहा जी ये निशानी है, किसी बियाबान घर के अंदर उल्लू या कबूतरों का डेरा हो जाता है। तो ऐसा शरा के अंदर, शरीयत के अंदर कोई भी नहीं है। मैं इस्लामाबाद एबटाबाद से मेरा ताल्लुक है, तारिक जदून मेरा नाम है, मैं एक पुलिस अफसर हूँ और मैं वहाँ से अपने घर से निकला तो मुझे वहाँ से ये नज़र आया, वहाँ हमने पकड़ा, पकड़ते दौरान इसकी आँख एक ज़ख्मी भी हो गई। मुझे तमाम दुनिया के हर परिंदे से मोहब्बत है, प्यार है, तो उस नस्बत से मैं यहाँ ले आया हूँ कि चलो यहाँ परिंदों की मार्केट है, लोग देखेंगे खुश होंगे, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों में शऊर पैदा होगा कि उल्लू को घर में रखना कोई नहुसत नहीं है, ना ही शरीयत के अंदर है ना कुरान के अंदर है। गूगल के अंदर आप सर्च करें उल्लू को घर पे रखना क्या है तो बताएंगे। मौलाना साकब मुस्तफाई साहब ने बड़ा इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर दिया है कि ये परिंदा है जिस तरह अल्लाह के दूसरे परिंदे हैं, ये भी एक परिंदा है। अलबत्ता एक जानवर है जिसके बारे में रखने में मना फरमाया गया है और नाम लेना वो सूअर है, उसका कुरान में जिक्र है। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप रखोगे अगर आप अल्लाह की मखलूक समझ के उसको कैद करके ना रखें, किसी परिंदे को भी उसको आज़ाद रखें, देखें मैंने उसको बाहर निकाल के रखा हुआ है, एक कड़ा लगता है आयतुल कुर्सी का कड़ा मार दें, अगर आप चाहते हो कि मेरा परिंदा है मुझे इससे प्यार है मोहब्बत है, आप उसको आयतुल कुर्सी का दुरूद शरीफ के साथ कड़ा मारेंगे, आप उससे मोहब्बत करोगे, प्यार करोगे, वो परिंदा आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आप देख लें इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, आपके माँ बाप, बहन भाई, औलाद छोड़ के चली जाती है, मगर घर का पाला हुआ कुत्ता, घर की बाली बिल्ली, आप उसको कितने दूर जाके छोड़ दोगे फिर वापस आपके घर आ जाती है। यही हाल इन परिंदों का भी है और हर वफादार परिंदे का है कि कोई बंदा, कोई शख्स अगर परिंदे से मोहब्बत करता है अल्लाह की रजा की खातर और उसके खिलाता पिलाता है जिस तरह अपनी औलाद को, वो आपसे मोहब्बत करेगा कहीं नहीं जाएगा। इसकी जितना मिसाल ये है कि इसको उड़ाओगे भी ये नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा एक और बात ये कि चलिए ये तो हम इससे आम फहम जबान में टेम कहते हैं, जैसे तोते भी ऐसा होते हैं लेकिन तोते अक्सर भाग जाते हैं। आज आपने ये एक नई बात बताई हमें कि इस तरह से आयतुल कुर्सी का आप इस पर खड़ा करते हैं, तो क्या उससे ये इसका थोड़ा हमला करने में या जिसको बाइट करना कहते हैं हम लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि ये इस तरह के परिंदे घरों में रखना पसंद करते हैं। मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता है, मैंने घर की छत पर बकरियां पाली हुई हैं, तो उस पर बकरे भी हैं, दुम्बे भी हैं, बकरियां भी हैं और मुर्गियां और मुर्गे भी पाले हुए हैं, तो उसके साथ एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता है। जर्मन शेफर्ड कुत्ता हमेशा बकरियों की हिफाजत के लिए रखा जाता है पूरी दुनिया में। अब अगर हम देखें इंसान को जिस किस्म का माहौल मिलता है उसके माँ बाप का रवैया बच्चे के साथ जैसा होगा बच्चा उसी तरह बन के आ रहा होता है। अगर वो अच्छे माहौल में पैदा होगा तो बच्चे का रवैया अच्छा होगा, अगर वो खून खौर माहौल में है तो उसका रवैया खून खौर में है, अगर वो गुटखा खाने वाले माँ बाप है तो बच्चा भी गुटखा खाएगा, अगर माँ बाप दीन के लिहाज से, दीनी एतबार से वो अच्छे हैं बच्चों के अंदर भी उस तरह का असर ज़रूर आता है। तो जानवर को जिस किस्म की चीज़ खिलाएंगे, जिस किस्म का रवैया जानवर के साथ रखेंगे, रिटर्न में आपके साथ वो करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ जर्मन शेफर्ड है,
हम उसे गोश्त नहीं खिलाते, हम उसे लाल चावल और अंडा खिलाते हैं। वो दुनिया का कोई बंदा आ जाए भोंकेगा जरूर मगर काटेगा नहीं। अच्छा तो अब आप जो भी चीज रखेंगे अपने पास जितनी मोहब्बत और प्यार से, आप सर्कस के शेरों को नहीं देखते, शेर किसी को छोड़ता है? सर्कस में एक आदमी लेके शेर घूम रहा होता है, उस आदमी ने इतनी मेहनत उस शेर के साथ की होती है कि शेर उसको नहीं खाता। आप अपने घर में अपने पड़ोस में, मेरा मैसेज इन तमाम बातों से ये जाएगा कि अपने पड़ोस में अपने मोहल्ले में अपने मुल्क में अपने कराची में अपने पाकिस्तान में आप जिस किस्म का रवैया सामने वाले के साथ रखेगा आपके साथ वो वैसा ही रवैया रखेगा। लिहाजा मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में माँ बाप बहन भाइयों के साथ अच्छा रवैया रखें, पॉजिटिव रवैया रखें तो पॉजिटिव जवाब आएगा। बहुत अच्छा आपने ये मैसेज भी दे दिया हमारे माशरती। अच्छा एक और सवाल ये कि आप इसे आउट ऑफ सिटी से लेकर आए हैं इस्लामाबाद से, तो कोई ना कोई प्राइस आपने सोची होगी, तो आप क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को, आप ये कितने में दे देंगे और अगर यहाँ बिक गया तो ठीक, अगर कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर कि अगर कोई आपसे रब्ता करके पर लेकर चला जाए आपसे, अगर आप वो देना चाहें तो वो भी दे दीजिए और अपने प्राइस भी अपना मेंशन कर दीजिए। देखें अगर कोई लेना चाहता है बहुत शौकीन है, बहुत ज़्यादा, मैं खुद शौकीन हूँ, मैं खुद लेके आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझसे भी ज़्यादा शौकीन है, तो मैं उसकी शौकपन को देख के उसके साथ बात कर सकता हूँ, मगर मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर है मेरा 0064-2234-8552, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तारिक जदून नाम। ठीक है सर, और अंदाजन क्या दिमाग बना लिया जाए कि ये आपका क्या दिमाग है कितने तक में भेजने का? बहुत ज़्यादा शौकीन बंदा आएगा, कोई बंदा लेने के लिए जिसको बहुत ज़्यादा शौक होगा, तो मेरा कोई दिमाग नहीं है उसके साथ। ठीक है ना, बड़ी नस्ल है ये उल्लू के, ये छोटा होता है उल्लू, ये बड़ी नस्ल का उल्लू है, ये इंडियन ऑल है, इंडियन ऑल कहते हैं इसको। ये मैंने इस्लामाबाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जू एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट डायरेक्टरेट, ये उसकी NOC है और ये मैं NOC ले के आया हूँ यहाँ पे, और ये इसको वहाँ से ले के आया हूँ, तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये बहुत बड़ा उल्लू है और इस तरह की नस्ल जो है यहाँ पाकिस्तान में नायाब है, नहीं पाई जाती है, ये सबसे बिगेस्ट, मैं इसको कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा उल्लू है, इससे बड़ा उल्लू आज तक ना देखा गया है, ना ही मैंने देखा है ना मैंने सुना है, और पिक्चर्स में मैंने गूगल पे भी सर्च किया कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा उल्लू है और ये इंडियन ऑल है। नहीं है नहीं, मैंने देखा इससे बड़ा, ये इनकी 130 नस्लें, उल्लू की 130 नस्लें, एज बहुत बड़ी होती है इसकी, ये सब छोटी नस्ल है, 100 साल 200 साल 300 साल चिड़िया के बराबर होती है। हाँ ये इतने होते हैं, चिड़िया से भी छोटा, हाँ इतने चिड़िया बराबर होता है। अच्छा तो एक ऐसे ही रफली अगर कुछ बता दें, ये ना बताएं आप कितने का दे रहे हैं, ये बता दें कि ये अगर कोई और आदमी इसको सर्चिंग करना चाहे तो उसे कितने का लेना चाहिए? मैंने आपसे कहा ना मैं इसको बेचूंगा नहीं, मैं शौक से लाया हूँ, प्यार से लाया हूँ, और सिर्फ ये लियाकताबाद की परिंदों की मार्केट में लाने का मकसद ये है कि अवेयरनेस पैदा हो लोगों में। यहाँ पर मैंने आज तक इस मार्केट में उल्लू नहीं देखा, लोग समझते हैं उल्लू को घर पर रखना नौसत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं जब से लेके आया हूँ मैं बड़ा खुशहाल हो गया हूँ, तो उल्लू अल्लाह के बनाई हुई एक जानवर है, इससे प्यार करें मोहब्बत करें, इस चीज़ के लिए लाया हूँ, बहुत ज़्यादा कोई शौकीन आया तो मैं उससे बात करूँगा। सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नाइस टॉकिंग। मैं ये कहता हूँ कि एनिमल इंटरनेशनल जो है ये अगर परिंदों से मोहब्बत उसकी अवेयरनेस के हवाले से और उसकी खरीदो फरोख्त के हवाले से काम कर रहे हैं तो आप काबिल तारीफ हैं, काबिल सताइश हैं, और मैं समझता हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तमाम परिंदों के बारे में अवेयरनेस दें लोगों को, बल्कि पाकिस्तान से बाहर लोगों को बताएं कि पाकिस्तान में कैसी कैसी चीज़ें, कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड की हैं। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एनिमल इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।